सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने अपने एरा के बड़े बड़े मिथ्स को गलत साबित किया। उसके अलावा वो अपने एरा की वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज का एक्सपर्ट था। उसका नाम था अबू सहल मसीही। ये 10th सेंचुरी एडी का फिजिशियन था। ये ईरान की एक सिटी जॉर्जन में पैदा हुआ। ये एवेसिना का टीचर था और ये अपनी एरा की फेमस लैंग्वेज अरबिक का एक्सपर्ट था। इसने बहुत बड़े बड़े मिथ्स को गलत साबित किया। इसके एरा में एक मिथ था कि जायगोट फॉर्मेशन में ओनली मेल गैमेट का ही रोल होता है, बट इसने कहा कि नहीं, जायगोट फॉर्मेशन में फीमेल और मेल गैमेट दोनों का बराबर रोल होता है। इसके एरा में एक और बड़ा मिथ था कि प्रेगनेंसी में पीटस फॉर्मेशन में मेंस्ट्रुएशन का ब्लड यूज़ होता है, बट इसने बोला कि मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और ना वो क्वांटिटी वाइज इतना होता है कि वो फीटस फॉर्मेशन में यूज़ हो सके। तो फीटस फॉर्मेशन में जो फीमेल की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वही ब्लड यूज़ होता है। और उसके अलावा उसका कहना था कि जो नेचुरल फूड का टेस्ट गुड होता है वो नेचुरल फूड ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। एज अ फिजिशियन वह बहुत ही कॉन्शियसली प्रिस्क्रिप्शन करता और टॉक्सिक मेडिसिन को अवॉइड करता। और उसके अलावा इसने 12 बुक्स लिखी। इसकी सबसे फेमस बुक है किताबुल माँ। किताबुल माँ में 100 चैप्टर है। इसके फर्स्ट हाफ में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन है और सेकेंड हाफ में ट्रीटमेंट है। इसमें 4 चैप्टर्स फार्मा पे है। ये बुक का आज तक ट्रांसलेशन नहीं हो सका और इसकी डेट 10th एडी में हुई। तो इस तरह इनकी कहानी ख़त्म होती है। मिलती है अगले वीडियो में एक और शख्सियत के साथ।